हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल जॉइंट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कश्मीरी स्ट्राइक, जिसको हंगुल भी कहा जाता है। इसकी पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल इंडेंजर्ड है हंगुल, ठीक है। हंगुल क्या है? एक सब स्पीसीज है एल्क की। एल्क एक स्टैग होता है, ठीक है, बारह सिंगा जिसको कहते हैं। एल्क की सब स्पीसीज है जो इंडिया में नेटिव है, मतलब इंडिया में ही पाई जाती है। और इंडिया में क्या कहा? जम्मू कश्मीर में। इंडिया में भी सिर्फ कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, ऑब्वियसली स्टेट एनिमल तो हो गई जब इंडेमिक सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। तो याद रखेगा, जो आपका कश्मीरी स्टैग है जिसको अंगुल कहा जाता है, स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का और इंडेमिक है जम्मू कश्मीर में। हैबिटेट कहा जाए, ये जिसमें पाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, डेंस रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, रिवर वाले फॉरेस्ट, हाई वैलीज होती है माउंटेन्स की कश्मीर वैलीज में, और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थन चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का, वहां पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा, यहाँ यहाँ कभी कभी दिख जाता है। प्रोटेक्टेड इन दाचेगाम नेशनल पार्क है जो, ठीक है, दाचेगाम नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड है। दाचेगाम नेशनल पार्क कहाँ है? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में। जबरवन रेंज, याद रखिएगा, जबरवन रेंज है वेस्टर्न हिमालय की, वहां ये पाया जाता है। जबरवन रेंज कहाँ से पास होती है? दाचेगाम नेशनल पार्क से। अगर ऐसे एमसीक्यू पूछा जाए कि दाचेगाम नेशनल पार्क किस रेंज पे है, तो जबरवन रेंज पे है, ठीक है। यहाँ आपका एक एमसीक्यू तैयार हो गया। और दाचेगाम नेशनल पार्क तो बता ही दिया मैंने, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। कॉनिफरस फॉरेस्ट है, और हाई हिल में एरिया में जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ कॉनिफरस फॉरेस्ट ही मिलते हैं। ब्रॉडलीफ होती है इन फॉरेस्ट की, ठीक है। एल्पाइन पास्चर, म्यूडो जो ग्रासलैंड्स होते हैं, वाटरफॉल्स और स्क्रब वेजिटेशन और डीप गुलीज होती है इन एरिया में, ठीक है, उस एरिया में पाए जाते हैं। और उन एरिया को लोकली कहा जाता है नार्स, ठीक है, याद रखिएगा, नार्स कहा जाता है जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हुए, पास्चर और मेडोस ग्रासलैंड्स होते हैं, वाटरफॉल्स, स्क्रब वेजिटेशन, जो माउंटेन जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ का जो नेचुरल एरिया होता है, जिस तरीके का एनवायरमेंट होता है, उसको नार्स कहा जाता है। रिवर जो पास होती है इस नेशनल पार्क से, दागवान रिवर पास होती है, जिसमें ट्रॉट फिश के लिए फेमस है, ट्रॉट फिश मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो दागवान रिवर दाचेगाम नेशनल पार्क से होती है, और कौन सी माउंटेन रेंज है? जबरवान रेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस वाइल्ड लाइफ जो होता है ड्रिंक, जो डल लेक भी है इस जो नेशनल पार्क का पार्ट है, और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराती है श्रीनगर के लोगों को। डल लेक वाइल्ड लाइफ लेपर्ड भी मिलता है, चैवेट भी मिलती है, जेकल, रेड फॉक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्रेट क्या है इसको? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक है वो ओवर ग्रेज कर जाते हैं, तो इसके लिए खाने के लिए नहीं बचता है। पोचिंग है, टर्मोइल, जो कश्मीर के अंदर जो टर्मोइल चल रहा है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसके कारण भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, थ्रेट इनको उससे भी है। कंजर्वेशन एफर्ट जो है शेड्यूल वन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो इंडिया का 1972 का, और जम्मू कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, दोनों के अंदर शेड्यूल वन में है, मतलब प्रोहिबिटेड है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दे रखी है इनके हंटिंग और इस ट्रेड वगैरह पे, सब पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है। जो टॉप 15 स्पीसीज है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है कंजर्वेशन के लिए, हाईली कंजर्वेटिव प्रायोरिटी से देखा जाता है, मतलब उनकी कंजर्वेशन करना जरूरी है, तो उसी के अंदर इंक्लूड है ये टॉप 15 स्पीसीज के अंदर। प्रोजेक्ट हंगुल चलाया जा रहा है इसके प्रोटेक्शन के अंदर, 1970s से चलाया जा रहा है, ठीक है, 70s के टाइम से ही चला जा रहा है, और किसकी मदद से चला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से प्रोजेक्ट हंगुल चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और किसके लिए? कश्मीरी स्टेक के प्रोटेक्शन के लिए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंडेमिक है जम्मू कश्मीर का, स्टेट एनिमल है, और दाचेगाम नेशनल पार्क हो गया, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट।